नमस्कार। डीडी यूपी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, डीडी यूपी को है परवा स्वास्थ्य की, हम लाए हैं सेहत आपकी। जी हाँ, आपकी सेहत का खास ख्याल रखने के लिए तो हम हमेशा हाजिर होते हैं इसी दिन इसी समय एक नए विषय के साथ। इसी क्रम में आज का विषय हमने लिया है डेंगू और स्वाइन फ्लू, कारण, लक्षण और उपचार। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर उमंग खन्ना। डॉक्टर खन्ना, वेलकम टू अवर शो। दर्शकों, हम जब भी डेंगू या स्वाइन फ्लू की बात करते हैं तो आमतौर पर देखा जाता है कि लोग इन बीमारियों के नाम से काफी परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जागरूकता और जानकारी एक ऐसा उपाय है जिसके जरिए आप इन बीमारियों से बच सकते हैं और इन पर काबू भी पा सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि आपको सही जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी लेने के लिए आइए चलते हैं डॉक्टर के साथ। डॉक्टर साहब, स्वाइन फ्लू और डेंगू के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? जी, सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि डेंगू और स्वाइन फ्लू दोनों ऐसी तकलीफें हैं जो मेडिकल अटेंशन मांगती हैं। इसलिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं सिम्टम, अगर आपको वो बातें अपने में दिखें तो डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें। पहले बात करते हैं डेंगू की। डेंगू जो है, या डेंगी, डेंगी भी बोला जाता है, इसको स्पेल करा जाता है, यह आपको मच्छर के काटने से होता है। इजिप्टाई नाम का मॉस्क्यूटो जब आपको काटता है तो, और जब ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटने के बाद फिर आपको काट लेता है तो आप इस डेंगू से ग्रसित हो जाते हैं। डेंगू का इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि जब मच्छर के काटने से लेके पहला सिम्टम आपके आने तक 5 दिन होता है। लगभग 5 दिन में वो आपको दिखने लगता है कि आपको डेंगू हो गया। अब आप कैसे जानेंगे डेंगू है? तो इसका सबसे खास बात यह है, फीवर। अगर आपका फीवर अचानक 103 से 105 डिग्री आ रहा है और आपके आईबॉल्स के अंदर पेन हो रहा है और आपके जॉइंट्स से बहुत पेन हो रहा है, जो सब लोग जानते होंगे दर्शक हमारे, तो आप समझ लें शायद आप डेंगू के ग्रसित हैं और आपको उपचार चाहिए। दूसरा विषय जो उठा है वह है स्वाइन फ्लू का। स्वाइन फ्लू सबसे पहले पिग में, सुअर में पाया जाता था, लेकिन इसका जो एक वायरस होता है H1N1, जिसके की आज हम लोग बात करने आए हैं, जो ये इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है। तो आमतौर पर जो हम लोग को नजला, छींक, जुकाम आता है, आप इस स्वाइन फ्लू को उसी से जोड़ के देखें। पहला विषय उसके साथ जुड़ेगा। डेंगू और स्वाइन फ्लू दो अलग बातें हैं। तो यहाँ आपको नजला होता है, जो कि जब आपको H1N1 वायरस से इन्फेक्शन होता है। होता यह है कि जब भी कोई स्वाइन फ्लू का मरीज होता है, यानी इन्फ्लुएंजा का मरीज होता है ये वायरस का, वह जब छींकता है तो सारे वायरस पार्टिकल हर तरफ फैल जाते हैं और कहीं भी आप टच करते हैं, जब भी आप इसको टच करते हैं तो आप इसको किसी तरह इनहेल कर लेते हैं और यह आपके सीधे लंग्स पे अटैक करता है, आपके लंग्स के सेल्स में जाता है, वहां पर ये मल्टीप्लाई होता है और जब लंग सेल्स खत्म हो, जब डेड हो जाते अपनी लाइफ पूरी करके, आपका जो लंग सेल उसमें से ये निकलता है और मल्टीप्लाई करने लगता है। हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब नहीं रोक पाता है, वही स्थिति आपकी स्वाइन फ्लू की स्थिति होती है, जिसमें कि आपको स्नीजिंग और तमाम दिक्कतें जिसका हम लोग डिस्कस करेंगे वो आने लगती हैं। तो कहें डेंगू जो है आपको मच्छर के काटने से होता है और स्वाइन फ्लू आपको कहीं भी कोई छींका, इन्फेक्टेड पर्सन, उसकी छींक से ओरली भी आप उसको इनहेल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी स्वाइन फ्लू और डेंगू के बारे में दी। जी हाँ दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दी है, आप इस जानकारी का पूरा पूरा लाभ उठाइए और हाँ, दूसरों को भी जरूर बताइए ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ तो देश स्वस्थ। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं चाहिए करें, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक After the break, और अब हम अपने कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं वहां जहां आप हमसे फोन के जरिए रابطہ कायम कर सकते हैं और अपने सवालों को पूछकर परेशानियों को दूर कर सकते हैं, यानी हेलो डॉक्टर।
कि आप जानते हैं कि ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है और आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है डेंगू और स्वाइन फ्लू। जी हाँ, इस विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फोन भी कर सकते हैं। फोन करने के लिए जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए हमारे फोन नंबर्स। फोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-228-8698। फोन आप जरूर करें, लेकिन फोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर उमंग खन्ना। डॉक्टर खन्ना, सबसे पहले हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि स्वाइन फ्लू और डेंगू आखिर फैलता कैसे, इसका कारण क्या है, किस तरह से फैलता है? डेंगू फैलने का जो कारण है वह है पानी। पानी, पानी में जब बरसात का समय आता है लगभग जून के अराउंड, जून के बाद से अक्टूबर नवंबर अक्टूबर तक जब पानी जगह जगह जमा होता है, वो चाहे क्लीन वाटर हो वो साफ पानी हो, तो उसी में डेंगू का मच्छर रेयर करता है और उसी से वो मल्टीप्लाई करता है वहीं पे उसको, और वहां से वो फैलता है, इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, उसके बाद वो दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को काट के ब्लड में आ जाता है और जो लिम्फ नोड्स होते हैं लिम्फ नोड्स पे यहाँ मल्टीप्लाई करके हमला करता है और हमारे ज्वाइंट्स में सूजन, भयंकर पेन शुरू कर देता है, अचानक 103 तक का बुखार ले जाता है। यह बेसिकली तीन तरह का होता है। एक क्लासिकल डेंगू होता है, क्लासिकल डेंगू फीवर जो होता है, DCF कहते हैं इसको, क्लासिकल डेंगू फीवर जो होता है यह अपने आप भी 4 से 5 दिन में ठीक हो जाता है अगर व्यक्ति प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ले रहा है, खूब पानी पी रहा है, खाना पीना भी खा रहा है, क्योंकि आपको लड़ने की शक्ति चाहिए, अपने अंदर इन्फेक्शन आया हुआ है तो खिलाई पिलाई कर रहा है, तो उसका 5 दिन में ये चला जाएगा। तो अगर आपको यह सिम्टम लगे तो सबसे पहले इसकी जांच भी पहले ही दिन करा ले। अगर 103 से 105 आपके बुखार आए और मालूम है आपको डेंगू फैला है तो आप इसका एक जांच होती है NS1 वो करा ले, उससे फर्स्ट डे ही आपको पता लग जाएगा कि आपको डेंगू हो गया है। अब जब आपका 5वां दिन हो जाए उसके बाद आपका फीवर उतर गया, लेकिन इसके बाद एक भयावह स्थिति आती है उसके 10 दिन बाद, उसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर DHF उसमें होता है, जो आप लोग समझते होंगे कि लोग कहते हैं नाक से खून आ गया, कान से खून आ गया, नाभि से खून आ गया, आंख से ब्लड आ गया, ब्लैक स्टूल आने लगे, तो वो स्थिति होती है डेंगू हेमरेजिक फीवर की। तो अगर 5 दिन बीत गए हैं तो आप सावधानी बरतें, उसके बाद भी ये ना समझे आप बिल्कुल सही हो गए, आपको 10 से 15 दिन तक एक डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए और अपने को एग्जामिनेशन के लिए बार बार जाना चाहिए। और उसके बाद इसमें तीसरी स्थिति आती है जो कि और भयावह होती है, उसमें क्या होता है कि आपको बिल्कुल रेस्टलेसनेस आ जाती है, रेस्टलेसनेस आ जाती, बेचैनी आ जाती और BP आपका गिरने लगता है, वो स्थिति भी बहुत बुरी होती है और उन स्थिति से आपको बचना चाहिए। तो अगर आपको डेंगू का फीवर है आप तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। जी डॉक्टर साहब, कोई खास मच्छर होता है या उस मच्छर को पहचाना जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल करा आपने, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा सूक्ष्म देखना पड़ेगा लेकिन मच्छर को पहचानना कठिन नहीं है। जो एडीज मच्छर होता है, इजिप्टाई मच्छर होता, यह जो है वो थोड़े से टॉल होते हैं, आपको थोड़े पतले और टॉल मतलब दुबले पतले टाइप लगे, और वो ब्लैक स्ट्राइप्स होती है, व्हाइट कलर की धारियां होती हैं, टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं वह होते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं ये। अच्छा, हालांकि ये 200 मीटर 100 मीटर से ऊपर नहीं जा पाते हैं। और एक चीज है, डेंगू के जिस समय डेंगू फैल रहा हो आपसे, आपको सबसे ज्यादा खतरा सुबह के 2 घंटा यानी सनराइज के बाद का 2 घंटा और सनसेट से पहले 2 घंटा, यह जो वक्त होता है यह डेंगू के मच्छर का पार्टी टाइम होता है। तो इस पार्टी टाइम से बचें, क्योंकि डेंगू से बचाव का 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप मच्छर को काटने ही ना दें, और दूसरा रास्ता, और मच्छर ना काटने के लिए आप पानी को ना जमा होने दें, और दूसरा रास्ता एक होम्योपैथी है। अच्छा, क्योंकि मैं होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूं इसलिए होम्योपैथी का विषय जरूर लाना चाहूंगा। थोड़ा सा प्रिकॉशन लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं। हेलो जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, प्लीज अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंदेश्वर मिश्रा, मैं बाराबंकी गांव पर सोदे पता, मैं जानना चाहता हूँ जिनको डेंगू या स्वाइन फ्लू की बीमारी हो गई है, तो ऐसे मरीजों के साथ
परिवार के लोग किस प्रकार से व्यवहार करें, उनका रख रखाव किस प्रकार से करें जिससे मरीज उबने न पाए, आगे बीमारी फैलने न पाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा बात है भाई साहब। इसके लिए सबसे पहले यही ध्यान रखना है, जिसको डेंगू हुआ है उसको आप आइसोलेट कर दें, उसको आप अलग कर दें, या स्वाइन फ्लू हुआ है, क्योंकि एक एक व्यक्ति तो घर में दिक्कत में है और लोग दिक्कत में, या समाज में और लोग दिक्कत में ना पड़े, इसलिए उसको आइसोलेट कर दें, अलग कर दें। क्योंकि डेंगू जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है, तो अगर किसी को डेंगू है और किसी मच्छर ने काटा, किसी मच्छर के एडीज ने काटा इप्टाइन, और उसके बाद वो दूसरे को काट लिया, तो उसको डेंगू हो जाएगा। और अगर उसको स्वाइन फ्लू यानी H1N1 वायरस का इन्फेक्शन है, इन्फ्लुएंजा एक, तो भी उसको वो छींकेगा तो भी उसके वायरस स्प्रेड हो रहे हैं। तो अगर वो वायरस स्प्रेड हो रहा है, मान लीजिए कोई दरवाजे पर वो गया, छींक दिया, उसके हैंडल पे चला गया, टेबल पे फैल गया, और किसी ने उसको टच कर लिया और अपने कांटेक्ट में ले लिया, इनहेल कर लिया, तो वो स्वाइन फ्लू का शिकार होने में उसको देर नहीं लगेगी। तो ऐसे व्यक्ति को समाज से थोड़े दिन के लिए अलग कर दें, यह उस व्यक्ति के हित में भी है, क्योंकि इससे वो आराम करेगा, और समाज के हित में भी है कि बाकी समाज उसको ग्रसित होने से बच जाएगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग डॉक्टर साहब। अगला सवाल मेरा ये है कि किस तरह के साइन एंड सिम्टम हो तो ये समझना चाहिए डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो या डेंगू हो। जी हाँ मैम, ये जानकारी बहुत जरूरी है, और इस कार्यक्रम का शुरुआती इस बात से हुई कि आपको जानकारी हो, वह जानकारी ही बचाव है जी। तो आपने बहुत सही बात कही, तो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि देखिए डेंगू की पहले बात कर लेते हैं। डेंगू का फीवर का अगर आपको है तो आपके फीवर 103 से 105 डिग्री होगा। दूसरा, आपके आंखों के आईबॉल्स के आई के ढेले के अंदर बहुत दर्द होगा। और तीसरा, आप सब जानते हैं कि जोड़ों में जॉइंट्स में बहुत पेन होगा। यह सिम्टम है तो आप समझ सकते हैं आपको डेंगू है, तुरंत आप कुशल चिकित्सक से मिले। दूसरी बात आती है स्वाइन फ्लू। अगर स्वाइन फ्लू है, इसमें भी दो बातें हैं, देखिए एक होती है नॉर्मल नजला जुकाम खांसी, एक होता है स्वाइन फ्लू यानी H1N1 वायरस यानी इन्फ्लुएंजा का वो वायरस जिसमें कि पिग और चिड़िया इन दोनों के जो है वो मौजूद है अंश जेनेटिक, और वह H1N1 वायरस के रूप में आपके सामने है। तो अगर आपके H1N1 वायरस हुआ है तो आपको वीकनेस बहुत आएगी, इतनी वीकनेस आएगी कि आप अपने को कैरी भी नहीं कर पाएंगे। अगर एक छींके नजला होता है कि छींके नजला आ रहा है, लेकिन आप रोज काम करते हैं ना, बच्चे स्कूल छोड़ते हैं ना, आप ऑफिस छोड़ते हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू में ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है और लोग काम नहीं कर पाते, काम नहीं कर सकते हैं जी, और बहुत वीकनेस महसूस करते हैं, और उनके पेट में दर्द होता है, उनको डायरिया हो जाता है जी, और छींके तो आती है और खांसी जी। डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर है। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि लोगों में भ्रांतियां हैं कि किसी को एक बार डेंगू हो जाता है तो भविष्य में दोबारा होने का खतरा रहता है बिना मच्छर के काटे, तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या झूठ, क्या तथ्य फर्क है, हकीकत जानना चाहता हूँ। नहीं भाई साहब, जो है मच्छर काटने के बाद डेंगू हुआ वो दोबारा भी हो सकता है, लेकिन मच्छर काटने के बाद ही होगा, बगैर मच्छर काटे नहीं, बगैर मच्छर काटे नहीं होगा, दोबारा हो सकता है अगर इन्फेक्टेड मच्छर ने आपको दोबारा काट लिया। जी हाँ, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा और जो गलत फहमी थी वो भी दूर हो गई होगी। डॉक्टर साहब, अब मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिला है और उनको डेंगू या स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी हो जाती है, तो क्या प्रभाव पड़ता है उनके होने वाले बच्चे के ऊपर? जी, उनके सबसे बड़ा प्रभाव यही है, क्योंकि प्लेटलेट्स इतनी कम हो जाती हैं डेंगू के बुखार में, फीवर में, कि वो हेमरेज कॉज करने लगती हैं। तो जब तक वो क्लासिकल डेंगू फीवर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो हेमरेजिक फीवर के रूप में कन्वर्ट हो गया तो फिर दिक्कत है, उससे बचना जरूरी है। अगर उससे बच गया व्यक्ति तो प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि आप क्लासिकल फीवर का, जो डेंगू फीवर का, आप घर में ही उपचार करके अपने को रिलीफ कर सकते हैं। और जहां तक स्वाइन फ्लू की बात है, उसमें बच्चे को दिक्कत हो सकती है, उसके लिए स्वाइन फ्लू एक बहुत सेंसिटिव चीज होती है, क्योंकि आपके लंग्स पे इफेक्ट कर रही है। लंग्स ही अगर इफेक्ट होंगे तो ऑक्सीजनेशन आपका कैसे होगा, और अगर आपके ब्लड का ऑक्सीजनेशन ही नहीं होगा तो आप जो बच्चा न्यूट्रिशन ले रहा है वो कहां से लेगा, ये पूरी एक कड़ी है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि इसको रोक दें, बच्चे पे स्वाइन फ्लू के केस में बुरा प्रभाव बिल्कुल पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, एक फोन आ रहा है हमारे पास। हेलो 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 जी, स्वागत है, प्लीज क्वेश्चन पूछिए। जी मैडम, मैं पूछना चाहता था कि होम्योपैथी में उसका इलाज
डेंगू का बताइए डॉक्टर साहब। जी होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है डेंगू का। एक मैं आपको इसको बताऊं, 1918 के एक जर्नल लिखा गया था, 1918 के जर्नल में एक ये कॉक्स, डॉक्टर कॉक्स थे, उन्होंने लिखा था। उस समय डेंगू फैला बहुत बुरा, एक पेंडेमिक के रूप में फैला, पेंडेमिक डेंगू जो है वो पेंडेमिक के रूप में फैला, बहुत ज्यादा एपिडेमिक के रूप में हो गया। उस वक्त एक रिसर्च आई तो उसमें देखा गया कि जिनको होम्योपैथी की डोज एडमिनिस्टर करी गई उनका मोर्टेलिटी रेट 1000 में केवल एक था, यानी 1000 में केवल एक व्यक्ति को इससे एक जीवन का नुकसान हुआ। तो बहुत अच्छा इसका डेंगू का इलाज है। और इसकी दवा का अगर मैं बात करूं, सबसे पहली दवा जो हमारे तमाम दर्शक जानते भी होंगे, यूपिटोरियम, आप लोग बचाव के लिए लेते होंगे जब डेंगू का सीजन आता होगा, फैलता होगा डेंगू। यूपिटोरियम, जलसीमियम, आर्सेनिक, बैप्टीसिया, ब्राइनिया, यह होम्योपैथी में बेहतरीन दवाएं हैं जो आप किसी कुशल चिकित्सक की राय में निश्चित पोटेंसी में, जो डॉक्टर आपको सर्टेन करेगा, उससे आप यह दवा लेके निश्चित रूप से डेंगू में लाभ पा सकते हैं। और इसका एक फायदा और होता है होम्योपैथी का कि एक बार डेंगू हो गया, आपका कंट्रोल हो गया, उसके बाद भी बहुत दिन तक दर्द बना रहता है, तो वो स्थिति से आप बच जाएंगे अगर आपने होम्योपैथी साथ में एडमिनिस्टर कर ली विथ प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, खूब खाना पीना खाना और रेस्ट। बिल्कुल, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। जी हाँ, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने इससे पहले कॉलर का जब फोन आया था उससे पहले आप प्लेटलेट्स का जिक्र कर रहे थे, मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्लेटलेट्स कब चढ़ाने की जरूरत पड़ती है? प्लेटलेट्स जब 20,000 तक आ जाती है, 15,000 तक आ जाती है, जब डेमरेजिक हेमरेज फीवर होने लगता है, प्लेटलेट इतनी कम हो जाती है कि आपके ब्लड के डिस्चार्ज बॉडी पार्ट से होने लगते हैं, उस समय प्लेटलेट्स चढ़ाने की स्थिति आती है। उससे पहले जब हमारे दर्शकों को प्लेटलेट्स, क्योंकि उम्र 80,000 90,000 तो आ ही जाती है प्लेटलेट्स कम होके, तो उस समय कई चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। एक पपाया, पपीता, पपीते के पत्ते का रस बहुत कारगर होता है, हमने अपने क्लिनिक पे इसको काम करते देखा है। दूसरा होम्योपैथी में एक दवा थी कैरका पपाया, अगर आपके पास जो बड़े शहर हैं वहां पे शायद पपीते का पेड़ उपलब्ध इस वक्त ना हो, तो वो कैरका पपाया एक दवा आती है, उसका मदर टिंचर भी 20 बूंद हर 2 घंटे पे ले सकते हैं, तो भी उनका वो जो पपाया वाला फैक्टर है वो कवर हो जाएगा। दूसरा मॉडर्न रिसर्च ही ने प्रूव करा, बकरी का दूध, अच्छा गोट्स मिल्क, तो गोट का मिल्क बहुत अच्छा होता है आपके प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए, तो आप गोट के मिल्क का सेवन भी कर सकते हैं, यह आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाएगा। इसके अलावा आप कुशल चिकित्सक से मिलते रहें और उसके देखरेख में रहें। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, लोग अपना इलाज खुद करने लगते हैं, आजकल तमाम वीडियोज आ गए यूट्यूब और सब पे, तो वो जानकारी के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन इलाज अपने आप ना करें। तुरंत आपको कोई दिक्कत है, सरकार ने तमाम व्यवस्था कर रखी है, हर अब तो इतने मेडिकल सेंटर, जैसे मैं अपनी यूपी की बात करूं तो हर अभी 16 मेडिकल कॉलेजेस और खुल रहे हैं इस समय, तो जो है तमाम जगह आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप तुरंत कुशल चिकित्सक से। डॉक्टर, आपने पपीते के पत्ते का जिक्र किया, इसके अलावा क्या गिलोय भी फायदेमंद होती है प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए? इसके बारे में भी बता दीजिए, किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? गिलोय बहुत फायदेमंद है, बाजार में आपको मिलता है, इसको आप बाजार से उसका गिलोय का पाउडर आता है वो आप ले लें, उसको आप एक चम्मच दिन में 2 बार सुबह शाम लेते रहे, वहां भी आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाने में और उसी के साथ आपके डेंगू के फीवर से एक संभावित नुकसान हेमरेज को रोकने में आपकी बहुत मदद करेगा। जी जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे ये कंफर्म करना है कि भाई कॉमन फ्लू है या स्वाइन फ्लू है, इसकी जांच कैसे होती है और कहां कहां उपलब्ध है? ये मैडम ने बहुत अच्छा विषय उठाया कि अब छींक नजला आई तो हर व्यक्ति समझने लगता है लाइन में लग जाता है। हमारे क्लिनिक पे कितने मरीज आते हैं, कहते हैं हर बच्चा अब स्कूल भेजे कि ना भेजे, बहुत तकलीफ हो गई है। नॉर्मल नजले में जो है बहुत वीकनेस नहीं आती है, इतनी वीकनेस नहीं आती कि आप काम पे ना जा सके, तो अगर आप काम पे जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको नॉर्मल नजला है, और अगर आप इन्फ्लुएंजा है और अगर आप काम पे नहीं जा पा रहे हैं तो आपके H1N1 वायरस का इन्फेक्शन है। दूसरी बात फीवर, नॉर्मल नजले जुकाम में फीवर नहीं आता है, लेकिन अगर आपको स्वाइन फ्लू का इन्फेक्शन है, H1N1 वायरस का इन्फेक्शन है, तो आपको फीवर बहुत आएगा, 103 से 105 डिग्री तक आएगा। नॉर्मल नजले जुकाम में डायरिया नहीं होता है, अगर आपको H1N1 वायरस है, आप छींक रहे हैं, आपके बिल्कुल नाक जाम है और साथ में आपको डायरिया भी हो रहा है, यह नॉर्मल उस वायरस में नहीं होता है। तो अगर यह सब सिम्टम आपको साथ में दिख रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल जिसको जुकाम बुखार आप जानते हैं उससे जरा सा भी हट के सिम्टम है, तो स्वाइन फ्लू वो हो सकता है। डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें और डॉक्टर जब बताएं तभी जांच के लिए जाएं। इस वक्त एक फोन आ रहा है हमारे पास, हेलो
हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका। हाँ, आर्यन तिवारी बोल रहा हूँ लखनऊ से। डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ डॉक्टर साहब, ये बताइए, जब सीजन शुरू होता है डेंगू का, गर्मी बरसात के बीच में जो सीजन है इसका, अगर हम होम्योपैथी की शरण में जाए, और कोई ऐसी दवा बताइए जिसको लेते रहने से इसकी संभावना कम हो जाती है मच्छर काटने से डेंगू होने की, यानी कि प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में शायद जानना। हाँ बिल्कुल सर जी, और ये बहुत वाजिब सवाल है। वास्तव में होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है, जैसा कि हमने बताया कि अमेरिकन जर्नल में भी दो दवाएं जो मैं बता रहा हूँ वो इंगित हैं। अमेरिकन उसमें जो है पहली दवा जो इम्पोर्टेंट है जेलसीमियम। हमारे दर्शक जेलसीमियम 30 पावर में दो दो बूंद सुबह शाम एक हफ्ते तक लगातार ले सकते हैं, और फिर वो 6 महीने तक उनको इससे प्रिवेंट करेगी, इससे इम्यून रखेगी। तो जेलसीमियम 30 पहली दवा है, और दूसरी दवा यूपिटोरियम 30, यूपिटोरियम परफोरेटम 30 जी। यह दो दवा अगर आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने घर में सबको एक हफ्ते तक दे सकते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपकी संभावना 99.9% डेंगू होने की कम हो जाएगी, और मच्छर को काटने से अपने को बचाएं, यह इसका डेंगू से बचने का की रोल है जी। आर्यन तिवारी साहब, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे डेंगू और स्वाइन फ्लू की, लेकिन डॉक्टर साहब आज होलिका दहन है रात में, और उसके बाद अगले दिन हम लोग रंगों की होली खेलेंगे। हम ये चाहेंगे कि हमारे दर्शक होली का पूरा लुत्फ उठाएं, लेकिन सुरक्षित होली खेलें, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? सबसे पहले तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा, आपका जीवन इसी तरह रंगों से भरा रहे, खूब रंग बिरंगे रंगों से भरा रहे। और उसके लिए जरूरी यह है कि सबसे पहला काम आप करें कि आज ही आप उसकी तैयारी करें, आप पूरे शरीर में ऑयल की मसाज कर लें। अगर आप अच्छे से ऑयल की मसाज कर लेंगे तो सुबह जो आपके रंग लगेगा वो आपको छुड़ाने में और रंग की एलर्जी दोनों से आप बच जाएंगे। और कोई ऐसा रंग ना लगाएं, बीच में बड़े केमिकल चले थे, अब तो सख्ती हो गई है, वो केमिकल नहीं दिखते हैं बाजार में ज्यादा, जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। यह त्योहार आपकी खुशी के लिए। दूसरी चीज, नशा जो एक फैशन चल गया है कि उसके साथ नशा के साथ त्योहार को मनाना है, खासतौर से होली को मनाना है, याद रखिए बुराई पर अच्छाई की जीत है, तो बुराई की तरफ ना जाएं इस त्योहार से, बल्कि बुराइयों को छोड़ दें। तो आप नशा ना करें ताकि एक्सीडेंट ना हो, कोई परिवार घूमने निकला है और आप अपना भी परिवार खराब करें और उस व्यक्ति का भी परिवार खराब करें नशे की लत में। तो अगर आप ये काम नहीं करते हैं, और खूब अच्छे पकवान खाएं, खूब इंजॉय करें, लेकिन स्वस्थ फूड के साथ। और यहाँ पे मैं बता दूं, मैं आपको दुआ करता हूं आपको ना हो, लेकिन अगर फूड पॉइजनिंग की स्थिति आपको बने तो आर्सेनिक एल्बम 30 दवा है और पल्सेटेला 2 दवा है। अगर आपको बहुत ज्यादा गुजिया खाने से आपके मिलने वाले ज्यादा हो, तो समोसा मोसा खाने से आपको दिक्कत हो जाए त्योहार के वक्त पे, तो आर्सेनिक एल्बम 30 और पल्सेटेला 30, यह दो दवाएं आप दो दिन तक ले लें, तो आपका पेट अपसेट नहीं होगा और आपका त्योहार भी मन जाएगा जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी होली के बारे में दी। जी हाँ दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो आपको इम्पोर्टेंट जानकारी होली से संबंधित दी है, आप इस जानकारी का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे और अपनी होली को सुरक्षित होली मनाएंगे। और अब इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी और खास हिस्से में, यानी कि हेल्थ टिप्स। जी हाँ, आप छोटी छोटी टिप्स अपनाकर हेल्दी रह सकते हैं, तो आइए जानते हैं क्या है हेल्दी टिप्स। डॉक्टर साहब बताइए। स्वस्थ रहने के लिए कुछ बातें जो आप जरूर करें। पहली बात, मैं होली से भी उसको जोड़े दे रहा हूँ कि आप लोग कल धूप में होली खेलेंगे, पूरा दिन होगा, तो पानी बहुत पीते रहें। अच्छा। सबसे पहले आप हाइड्रेटेड रहें। अगर आपके बॉडी में पानी बहुत है तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे, आपकी स्किन खराब नहीं होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा अपने दर्शकों से कि तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल शुरू करें। बहुत लोगों ने कर दिया होगा, लेकिन जो लोग नहीं करे हैं, अपनी आप खरीदने की क्षमता के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन जान है तो जहान है। तो कॉपर का एटलीस्ट आप कुछ नहीं ले सकते हैं, तो कॉपर का आप एक जग ले सकते हैं और एक गिलास ले सकते हैं। आप इन दो चीजों का इस्तेमाल जरूर करें। तीसरी चीज है कि बहुत, अब तो हालांकि जाड़ा जा रहा है लेकिन आगे के लिए याद रखें, बहुत गर्म पानी से ना नहाएं, इससे भी आपका स्किन और पूरा शरीर खराब होता है। नॉर्मल पानी से आपको नहाना चाहिए। चौथी बात है, नमक को कम लें। इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, कैपिटल ऑफ ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। तो
आप लोग नमक का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिजीज बढ़ रहे हैं, और उसमें भी नमक को ऊपर से स्प्रिंकल ना करें, जो नमक है खाना पकाने के टाइम डाल लें और उसको भी कम रखें। फिर इसके बाद जो आप अपने लिए कर सकते हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, वॉक सुबह 1 घंटा आप अपने को जरूर दें। पूरे दिन आप काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, आप भी काम करते हैं, लेकिन 1 घंटा सुबह आप अपने वॉक के लिए चाहिए, योगा के लिए चाहिए। 3 प्राणायाम जो बहुत चर्चित प्राणायाम है, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, यह आप जरूर करें। इससे हमने अपने क्लिनिक पे लोग आके बताते हैं बहुत करिश्माई रिजल्ट होते देखा है। उसके बाद आप फ्लूइड्स जूसेस बहुत पिए, जब रुके आप तो जगह जगह गन्ने का जूस छोड़ के, गन्ने का जूस एक हैजा का कारण हो जाता है, आप जूसेस खूब पिए लेकिन अपने घर में निकाल करके उसका जूस का इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दी, थैंक यू सो मच। जी हाँ दर्शकों, डॉक्टर साहब ने जो आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दी है, आप इन छोटी छोटी टिप्स को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। आप स्वस्थ तो देश स्वस्थ। और अब कार्यक्रम के आखिर में हम आपको ये जानना चाहेंगे कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता। हमारा पता है सेहत आपकी, कमरा नंबर 204, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। आप हमें खत जरूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे इतना जरूर कहेंगे कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए और हम आपको सेहत से जुड़ी जानकारी इसी तरह लगातार देते रहेंगे, क्योंकि डीडी यूपी को है परवाह स्वास्थ्य की, हम लाए हैं सेहत आपकी। इसी के साथ पूरी टीम को दीजिए आज्ञा, टेक केयर।